आपको पता होगा कि मोशन का एक टाइप होता है, दैट इज पीरियोडिक मोशन, मतलब ऐसा मोशन जो खुद को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करता है, जैसे अर्थ का घूमना, घड़ी के हाथ के जो कांटे होते उसका घूमना, जैसे फिजिक्स फोरम के लेक्चर्स हर एक दिन में आते ही है, एग्जाम्पल दे रहा हूं बस। तो पीरियोडिक मोशन वो मोशन जो खुद को रिपीट करता है। पीरियोडिक मोशन का एक टाइप होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब जो पीरियोडिक होता है और जो टू एंड फ्रो टाइप से होता है, मतलब आगे पीछे आगे पीछे। सर्कुलर मोशन क्या ऑसिलेटरी है? नहीं, सर्कुलर मोशन ऑसिलेटरी नहीं है क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा है। ऑसिलेटरी मतलब जो आगे पीछे, लाइक अ स्विंग, झूला होता है ना, लाइक अ स्विंग, तो वो ऑसिलेटरी मोशन है। और उसका एक स्पेशल टाइप होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन भी होता है, जो पीरियोडिक भी होता है, बट इसमें जो फोर्स एक्ट होता है उस पार्टिकल पे, वो हमेशा डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जहां पर वो इक्विलिब्रियम में होता है। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन ये ऐसा मोशन है जो पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी है, और जिसमें जो फोर्स एक्ट होता है वो हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, और वो एक पॉइंट के तरफ ही डायरेक्टेड होता है। एंड दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इन शॉर्ट। थैंक यू, बाय।